Hello everyone, this is Rahul 13 from India, straight from Pune. और यहाँ से हम लोगों का नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जो कि पुणे से सांगली का ये ब्लॉग रहेगा. और अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ यहाँ पुणे से सांगली के लिए. और नेक्स्ट जो हम लोगों का शो है वो सांगली में है. तो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. अपनी दोनों गाड़ियाँ रेडी हैं और लगेज वगैरह पूरा सेट हो चुका है. हालांकि बहुत ज़्यादा टायर्ड है क्योंकि सोया भी नहीं था और आज इवेंट भी हो गया है यहाँ पे. और इवेंट के बाद बहुत टायर्ड. तो अभी छोटा मोटा जो भी करते हैं शूट, बाकी फिर आप लोगों को कल सांगली के उसमें दिखाएंगे. बाकी अभी चलते हैं अपन. ये अपनी दोनों गाड़ियाँ रेडी है और अपन चलते हैं. Gazing up at the sky, when the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes. Oh, good morning guys, abhi bag rahe hain subah ke 10:30 aur hum aaye hain breakfast. सो गाइस, अपना सुबह का ब्रेकफास्ट में मिसल पाव, मतलब ब्रेड और मिसल और ये सूजी का हलवा. और ये यहाँ पर लड़ रहे हैं दोनों अभी खाने के लिए. ऐसा है, लाने के लिए लड़ रहे हैं. नहीं नहीं, मैं खा लूंगा. तू आराम से खा ले, सबको खिला दे तू. तो भाई अभी ये ब्रेकफास्ट है और ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर कुछ और भी ऑर्डर करते हैं. कर रहे हैं ये. सो गाइस, अभी हमारा लंच आ चुका है. रोटी, पालक पनीर, दाल और ऑनियन. गर्मी बहुत है इसलिए प्याज खा रहा है भाई. प्याज बुलवा लिए, कांदा जरूरी है. तो ये है, अब लंच करते हैं और फिर होंगे हमारे शो के लिए रेडी. तो फटाफट लंच करते हैं. अभी बज रहे शाम के, मतलब दिन के 3:30 और हमारा जो शो टाइमिंग है वो तकरीबन 5:30 बजे. सेट और अभी रेडी होके मैं आ गया हूँ नीचे लॉबी में. यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का और वो आ जाए नहा के. तो फिर हम जाएंगे हमारे शो वेन्यू पे जहाँ पे आज का हम TVS Apache प्रो परफॉर्मेंस शो परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे सांगली में. और यहाँ का सबसे फेमस मॉल है SFC मेगा मॉल, जहाँ पे हम लोगों का आज का शो इवेंट होने वाला है. तो ये मेरा 3rd time है यहाँ सांगली में जो मैं परफॉर्म करने वाला हूँ यहाँ पे TVS Apache प्रो परफॉर्मेंस शो. और मज़ा आएगा, यहाँ पे बहुत सारी यादें पहले की जुड़ी हुई हैं. तो इस बार फिर से यहाँ पे परफॉर्म करने का मज़ा आएगा. तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं हमारे शो वेन्यू पर. तो गाइस, अभी अपनी कैब के पास में आ गए. यहाँ पे क्लीन हो रही थी कैब, ये भाई ने पूरी साफ कर दी है, हमारे पवन भाई ने कैब. अभी बहुत क्लीन सी लग रही है क्योंकि दो दिन से हम जो जर्नी कर रहे हैं उसमें बहुत गंदी हो गई थी. और अभी हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं. तो अभी चलते हैं भाई, चले. ओके भाई, हेलमेट आ गया तुम्हारा. जय श्री राम. Nothing to find. I stopped searching for a reason. Just let the world embrace us. In the silence, we are one. Can't escape from this feeling inside you. Gaadi wala aaya ghar se. Aisa laga? Are nahi, 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 nahi. Okay. यहाँ पे ऑडियंस देखो सांगली की, एक तरफा we
सो गाइस फाइनली यहां सांगली में अपना शो हो गया है अभी खत्म, और मेरे साथ में यहां पे टीवीएस एओजी सांगली के राइडर्स हमारे साथ में है यहां पे, और इन लोगों ने हमें बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया, और मैं यही कहना चाहूंगा कि सांगली के आसपास जो लोग भी हैं और इस ब्लॉग को देख रहे हैं, टीवीएस एओजी सांगली को ज्वाइन करिए और भाई लीड करते हैं। रोहन भाई हमारे यहाँ पे टीवीएस एओजी सांगली को लीड करते हैं एज अ एडमिन, आप यहाँ पे पूरा संभालते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम हैंडल बता दो, एओजी सांगली, एओजी सांगली पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारे टीवीएस की एओजी विंग को आप ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे थर्ड टाइम परफॉर्म करके बहुत मजा आया, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सारा प्यार मिला यहाँ पे सांगली के लोगों से, और जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों को बहुत पसंद आया, तो मुझे मेरा मोटिवेशन हाई हो गया। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अपन चल रहे हैं कोल्हापुर, तो अभी वहाँ पे आप लोगों से मिलेंगे फिर से अपनी टीवीएस अपाची आरटीआर 310 के साथ में जबरदस्त परफॉर्मेंस लेंगे। तो अभी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आप लोगों को आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहो। और अभी चलेंगे हम यहाँ से पैकअप करने के बाद अपने होटल प्रशन अबू के, फिर निकलेंगे कोल्हापुर। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12:15 और हम लोग यहाँ सांगली से निकल रहे हैं कोल्हापुर के लिए। हम लोगों का यहाँ पे शो कंप्लीट हो चुका है आज सांगली में, और बहुत मज़ा आया, बहुत शानदार रहा, क्राउड का बहुत सपोर्ट मिला, और फुल ऑन मज़े वहाँ पे आए शो में, क्योंकि थर्ड टाइम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, और ये दिग्विजय यहाँ पे फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा था सांगली में, तो फर्स्ट टाइम इसने परफॉर्म किया, मज़ा आया बहुत ज़्यादा, फुल ऑन बहुत अच्छा सपोर्ट मिला सारे लोगों का, तो थैंक यू सो मच सांगली सारे लोगों को जो भी वहाँ पे मौजूद थे। और अभी यहाँ से निकलते हैं, कोल्हापुर जाएंगे, और कल हम लोगों का कोल्हापुर में शो रहेगा, तो अभी अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं कोल्हापुर के लिए। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम हमारे होटल यहाँ पे, और अभी एक दिन हमको यहाँ पे बस स्टे करना है, अभी चलते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट जी, हेलो जी, हेलो, चलो जी आ गए हैं हम हमारे रूम में साहब, ये है हमारा रूम जहाँ पे हम स्टे करेंगे। ओके तो ऐसा कुछ है हमारा ये रूम, दफा 301 और जो आ रहे हैं उनको दफा 302 लगेगी। ताजे रहते हैं, 302 के तहत आपको कोल्हापुर में शो करने का मौका मिलेगा। राइट, तो अभी अब रखें अपना सामान, और सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं कोल्हापुर, और कल यहां पे हम करने वाले हैं हमारा शो परफॉर्म, बैंग बैंग, और ये बैंग बैंग वाला बच्चा बीच में हमेशा आके ब्लॉग खराब करता है मेरा, तो अभी ये ब्लॉग खत्म करने के बाद मैं इसको धोऊंगा, पीटूंगा, रगड़ूंगा। अरे बाबा बैंग बैंग नहीं करते अपन, बैंग बैंग यस, मगर वो अब स्टैंडर्ड राइडिंग वाला बैंग बैंग है ना, बाकी लोग गलत समझ लेंगे। तो गाइज ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ये ब्लॉग कैसा लगा, बट अभी हम लोग कंटिन्यू जर्नी में है, तो मैं यही मेरी कोशिश है कि मैं भले से छोटे ब्लॉग्स बनाऊं बट कंटिन्यूटी में उनको पोस्ट करता रहूं, और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, जुड़े रहो, क्योंकि आगे फिर हम और अच्छे ब्लॉग्स लेके आएंगे। सो अभी ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, दिस इज राहुल 13 साइनिंग आउट, जय हिंद जय भारत, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आप लोगों को आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।